नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। आज दोस्तों मैं आपको पोर्चुला का और पर्सलेन इन दोनों की कटिंग लगाना बताऊंगी, और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल्स में लगा के बताऊंगी। इसके साथ ही साथ ये जो आप कटिंग्स देख रहे हैं बेकार बॉटल में, ये मैंने अभी 5 दिन पहले 31 मार्च को मैंने ये देखिए इस बॉटल में कटिंग को लगाया था, मॉस रोज को। मॉस रोज देखिए बहुत अच्छा गर्मियों का प्लांट होता है, फूल होता है, बहुत अच्छी गर्मी गर्मी के लिए सबसे अच्छा प्लांट रहता है। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है और आपको मैं अपडेट दे रही हूँ। और देखिए आज 5th अप्रैल है, तो इसमें देखिए बड्स भी आ रही हैं कुछ कुछ, और ये सभी कटिंग्स लग गई हैं। तो इन दोनों ही बॉटल्स में मैंने 31 मार्च को इसमें लगाया था। तो किस तरीके से मैंने लगाया था वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं आप, एकदम ये 5 दिन का केवल ये रिजल्ट है, और थोड़े ही दिन में ये एकदम पूरी जो बॉटल देख रहे हैं बिल्कुल भर जाएगी। उसी तरीके से मैंने ये पर्सलेन जो है, ये सारे ही मेरे पुराने प्लांट्स हैं, इसको भी मैंने, ये पुराना वॉश बेसिन है, ये पीछे का साइड है, इसमें मैंने लगाया है। इस वॉश बेसिन में दोस्तों अभी काफी समय तक इसमें मेरा वो लगा हुआ था, मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ था, तो मैंने उसको खाली कर दिया। और ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बस इसका वीडियो बना के आपको पोर्चुलाका का बताया था, तो ये कटिंग मैंने तब लगाई थी। तो ये सारे अपडेट्स मैंने आपको दे दिए। अब केवल ये 5 दिन के और 2-2 3 3 दिन का ये अपडेट है। तो इसमें मैंने क्या किया था, बॉटल में किस तरीके से लगाया था, पहले ऊपर से ऊपर का हिस्सा, ये जो बॉटल होती है बिस्लेरी वाली या पानी की कोई भी, उसको मैंने कट कर दिया देखिए। और ये कट करके आप देख रहे हैं ना, सब में ये सिर्फ एकदम अभी केवल 4-5 दिन का रिजल्ट है ये, और पूरा ये भर जाएगा। अभी तो ये खाली खाली दिख रहा है, अभी ये पूरा कवर कर लेगा, जैसे ये वॉश बेसिन दिख रहा है इतना भी नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस बॉटल को कैसे तैयार किया है। देखिए मैंने ऊपर का हिस्सा काट दिया और होल्स जो हैं वो नीचे करने होते हैं, क्योंकि मॉस रोज जो है, ये जो पोर्चुला का है, ये सकुलेंट प्लांट होता है, पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होता है। पानी अगर आप देंगे तो बहुत सारी इसमें पत्तियां वत्तियाँ होती रहेंगी, प्लांट जो है ना अच्छा सा ग्रो नहीं करेगा। तो ये सारे प्लांट मेरे पुराने हैं, और मैंने बॉटल में सब तरीके से इधर इधर सब तरफ से छेद कर दिए हैं, बिल्कुल गरम नाइफ करके, एक चाकू गरम करिए और गरम, उससे बहुत आराम से प्लास्टिक में इसमें छेद हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं। और मिट्टी जो ली है मैंने, मिट्टी बहुत अच्छी वेल्ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी में जो है रिवर सैंड की मात्रा 40% और कंपोस्ट 30, और आपके एरिया की मिट्टी 30, मतलब 30-30 तो आपकी मिट्टी और कंपोस्ट होगी, लेकिन सैंड जो होगी वो 40% होगी। अब ये देखिए, ये अभी केवल 5 डेज पहले का ही है, मैंने लगाया है इसको, तो इस तरीके से मैंने सब लगा दिया है, और मैं लगाती जा रही हूँ, उसके बाद मिट्टी ऊपर से भरती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये सारी मैंने अपने, मेरे पास जितनी पुरानी सब कटिंग वटिंग सब रखी हुई थी, उसी में से मैंने कुछ कुछ ले ली है। तो जैसे जैसे फूल खिलते जाएंगे और पता चलता जाएगा कि कौन सा कलर का लगा है, क्योंकि अभी सब में बड जिसमें नहीं आई हुई है। तो इस तरीके से मैंने सारा लगा दिया है, और इसमें मैं मिट्टी इस तरीके से पूरा भर रही हूँ। आपको एक चीज़ बताऊँ कि इस मॉस रोज में कोई ऐसे फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है, बस आप इतनी छोटी छोटी सी कटिंग लीजिए और लगाते चले जाइए। नीचे की बस पत्तियां थोड़ी सी हटा करके, नीचे जैसे जहाँ ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से हटा के, और बस आप उसको लगा दीजिए, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। और पहली बार जैसे मैं लगा रही हूँ, तो इस तरीके से पानी को अच्छी तरीके से इसमें भर दिया मैंने। आप चाहें तो पहले मिट्टी गीली कर सकते हैं,
लेकिन मैंने अभी मैंने इसी तरीके से करा है, क्योंकि मेरे मुझे अलग अलग पूरी कटिंग इतनी सारी लगानी थी। और आप देखिए 4-5 दिन में बस ये इस तरीके से भर गया है। और जैसे कि वॉश बेसिन की बात है, तो वॉश बेसिन में हम सब जानते हैं कि होल होता ही है, जहाँ पे वो नाली का सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, वहाँ पे होल होता ही है। तो उसमें कुछ मुझे वॉश बेसिन में कोई होल करना नहीं पड़ा, और बाकी जो बॉटल है, बॉटल में मैंने होल्स कर दिए। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से मॉस रोज की कटिंग लग जाती है, बहुत छोटी छोटी सी कटिंग लग जाती है। बस आप दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक तो बिल्कुल फुल सनलाइट में रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी घंटे की सनलाइट दे सकते हो उतने घंटे की सनलाइट में रखिएगा। और पानी जब तक कि एकदम सूखे नहीं, मिट्टी सूखने से पहले आप पानी नहीं दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और चलते चलते मैं आपको अपने फ्लावर्स दिखा रही हूँ। ये सब मैंने अभी ग्रीन नेट की मेरे पास कमी हो रही थी, तो मैंने एक पुरानी चादर के उसमें आड़ में रखा हुआ है, तो ये दीवार के साइड में, इधर अभी धूप ज़्यादा देर के लिए नहीं आएगी, बस सुबह सुबह की आ रही है। तो बस ये मेरे आपको मैं अपने फ्लावर्स दिखाने लगी। चलिए दोस्तों, बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों, लाइक भी कर लीजिएगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी चलते चलते, कि देखिए मॉस रोज में ना फर्टिलाइज़र के आप चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेगा कोई। फर्टिलाइज़र की वजह से अगर आप जो ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे ना, तो सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ आएंगी। तो सिर्फ आप पानी कम दीजिए जब तक मिट्टी ना सूखे, और धूप दीजिए। सनलाइट का प्लांट है ये, तो सनलाइट इसको पसंद है। तो बस ये देखिए सनलाइट अब हो रही है ना, हमारे यहाँ इतने हवा भी चल रही है इस समय, ये तेज धूप की वजह से थोड़ा सा देख रहे मेरा ये बिल्कुल नया नया सा ये देख रहे, थोड़ा सा झुलस सा गया है, इसको मैं हटा के अभी इधर से रख दूंगी। चलिए दोस्तों, बाय, थैंक यू।